नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वस्थ भारत स्वस्थ समुदाय अभियान के तहत सेवा ट्रस्ट यूके भारत की ओर से महाराणा प्रताप चौक बराड़ा में गर्व और वीरता के प्रतीक महान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्ट के चेयरमैन नरेश मित्तल ने की। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष राकेश बतौरा और महाराणा प्रताप एजुकेशन एंड वेलफेयर समिति के प्रधान विनोद राणा थंबड़ और समिति के सभी पदाधिकारियों ने भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके शस्त्र नमन किया। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में वीरता शौर्य त्याग पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया और हिंदुस्तान के पूरे मुगल साम्राज्य के घुटने टिकवा दिए थे। ट्रस्ट ने अपनी को स्पॉन्सर डाबर इंडिया लिमिटेड की तरफ से समस्त नागरिकों को डाबर के रियल जूस का अटूट भंडारा वितरित किया। इस अवसर पर सेवा ट्रस्ट यूके भारत के गुरुदेव बराड़ा, पवन पाराशर, जस्तार केसरी, मनंदर केसरी और समिति से अनिल राणा कुराली, कंवरपाल राणा, मितरपाल राणा, रणदीप उगाला, गौरव सुहाता, सतीश मेहता, जंगबीर राणा, सुभाष राणा, भूषण पुंडीर, सूरजपाल राणा, डिंपल राणा, मौजी राणा, साहिल, निखिल राणा, प्रवेश मेहंदीरता, रजत मालिक, मोंटी अरोड़ा, साहब सिंह और गुलशन शर्मा उपस्थित रहे। बराड़ा से हमारे संवाददाता पूर्ण सिंह की रिपोर्ट। साथियों को, जैसे कि आप जानते हैं कि आज सेवा ट्रस्ट यूके इंडिया की तरफ से बराड़ा महाराणा प्रताप चौक पर जो है एक जो महाराणा प्रताप जी की जयंती है उसके उपलक्ष्य में जूस का लंगर लगाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि इस उपलक्ष्य पर हमारे सभी साथी जो भी यहाँ हमारे बराड़ा इलाके से आए हुए हैं सब में उत्साह है। तो ये हमें एक अपना ब्लॉक लेवल पे प्रोग्राम किया है जो बराड़ा के अंदर महाराणा प्रताप जी को जिसमें हमें माल्यार्पण कर और एक जूस का प्रोग्राम है कि गर्मी के मौसम में लोगों को राहगीरों को पानी और एक जूस उपलब्ध कराया है। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो हमारे देश को एक अच्छा बनाना चाहते थे जिन्होंने अपने राजमहल छोड़कर जंगलों में घास की रोटियां खाई, इनसे हमें प्रेरणा लेकर इस प्रकार से राजपूत समाज और सभी समाज महाराणा प्रताप जी को याद करता है क्योंकि वीर होए, योद्धा होए, शहीद होए किसी एक समाज के नहीं होते, किसी एक जाति से नहीं होते, वो सारे देश के होते हैं, सभी के होते हैं। और हमें ऐसी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि आज समाज बहुत दलदल में फंस चुका है। नशे जैसी बुराइयों से बचने के लिए हमारे युवा साथी बहुत संख्या में इनको एक संदेश देते हैं कि हमें महाराणा प्रताप जी का चरित्र पढ़ना चाहिए, भगत सिंह जी का चरित्र पढ़ना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी का चरित्र पढ़ना चाहिए। किसी का भी चरित्र पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है जिससे हमारा विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, आदमी को अच्छी सोच मिलती है। तो इसी प्रेरणा के तहत आज यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं, पूरे समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को माल्यार्पण का कार्यक्रम है। हमारे अध्यक्ष जी हैं, राजेश बतौरा जी, कृष्ण प्रधान जी हैं, हमारे भाई खड़े हैं बहुत सारे, तो सभी आज इकट्ठे होकर बड़ी संख्या में महाराणा प्रताप जी को श्रद्धांजलि देंगे और एक याद किया जाएगा ताकि हर समाज ऐसी प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। जय महाराणा प्रताप, जय। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।